everyone so I am here with a new video and with a new chapter and the name of the chapter is celebrating festival ab hamare country mein hum bahut sare festivals ko celebrate karte hain so in this chapter we will uh, know about the more festivals in detail like जैसे national festivals होते हैं religious festivals होते हैं तो अब हम उन्हें क्यों मनाते हैं उनके क्या purpose है मनाने का वो सब हम इस chapter में पढ़ेंगे so let's go ahead and start the chapter चैप्टर इलेवन से इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कितने तरह के फेस्टिवल्स होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं और रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं तो so, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं जो नेशनल होते हैं और कौन से रिलीजियस तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर we will do a small activity tick write the below festival you like to celebrate तो so, अब ये छोटी सी एक्टिविटी में आपको ये करना है कि जो पिक्चर्स बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स की उसमें आपको जो फेस्टिवल अच्छा लगता है उसमें आपको टिक लगाना है लेट्स स्टार्ट फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ फन एंड जॉय ऑन दीज डेज वी वियर न्यू क्लोथ्स प्रे ईट टेस्टी फूड एक्सेट्रा वी एंजॉय फेस्टिवल्स विद आर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स फेस्टिवल्स क्या होता है फेस्टिवल्स जब आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं बहुत मजा आता है हम इंजॉय करते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं नई नई चीज़ें खरीदते हैं नए नए खाना खाते हैं अच्छा टेस्टी फूड बनता है घर में और हम फेस्टिवल्स को बहुत मन से इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ फेस्टिवलो टीचर्स लिव हैदर इन इंडिया नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिव अब इंडिया में दो तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जो हम मनाते हैं एक होता है नेशनल फेस्टिवल और एक होता है रिलीजियस फेस्टिवल इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स क्यों कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं नेशनल फेस्टिवल्स मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल जो फेस्टिवल पूरी कंट्री मनाती है उसे हम नेशनल फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल क्यों कहते हैं क्योंकि वो जो फेस्टिवल होता है वो पूरा नेशन मनाता है पूरी कंट्री मनाती फर्स्ट इज रिपब्लिक डे पहला होता है हमारा रिपब्लिक डे एक नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी जनवरी एवरी ईयर हर साल ट्वेंटी सिक्स जनवरी को हम क्या मनाते हैं रिपब्लिक डे ऑन दिस डे इंडिया बिकेम आ रिपब्लिक ये वही दिन था जिस दिन इंडिया को रिपब्लिक हुई थी मीन्स इसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था अ परेड शोइंग द कल्चर ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज इन डेली ऑन कर्तव्य पथ अब इस दिन जो है आ, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को दिखाया जाता है परेड होती है डेली में the president of our country takes the salute aur is din hamare country ke jo president hote hai wo is din salute dete hai fact treasure the constitution of india is the largest written constitution in the world hamare desh ka जो संविधान है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन Independence Day दूसरा हमारा नेशनल फेस्टिवल आता है इंडिपेंडेंस डे जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टीन अगस्त एवरी ईयर और हम कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे हर पंद्रह अगस्त को इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन दिस डे 1947 तो so, 1947 में हमारी देश को आजादी मिली थी और उसी वजह से हम ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट पर लाल किले पर न्यू दिल्ली में झंडा फहराते हैं वी सिंग द नेशनल एंथम जन गन मन एंड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम

कुक स्पेशल डिशेज एंड डेकोरेट आर होम्स ऑन दीज डे पीपल ऑफ़ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिसमें हम नए नए कपड़े पहनते हैं नए नए खाने की चीजें बनाते हैं हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सबसे पहले होली होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली रंगों का त्यौहार है इट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर हिंदूज और हिंदूज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम लोग किससे खेलते हैं होली पे गुलाल से खेलते हैं रंगों से खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं दिवाली दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज और दिवाली किसका फेस्टिवल होता है हिंदूज का इट इज सेलिब्रेटेड कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट बट इट इज फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली को हम क्या कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट क्योंकि इस दिन क्या होता है हम बहुत सुंदर सुंदर लाइट से अपने घर को सजाते हैं। हैंज एंड बल्ब नाइट तो हम लोग क्या क्या लगाते हैं अपने घरों में कैंडल्स लगाते हैं दियाज लगाते हैं रात को डिफरेंट लाइट्स लगाते हैं

कुछ लोग मानते हैं कि दिवाली सिर्फ हिंदूज का फेस्टिवल लेकिन दिवाली सब लोग मनाते हैं सिख्स भी मनाते हैं और जेंट्स भी मना क्रिसमस क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर हर साल के ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को हम मनाते हैं क्रिसमस जीजस क्राइस्ट वॉज बोर्न ऑन दिस डे इस दिन कौन पैदा हुआ था जीजस क्राइस्ट पीपल प्रे इन द चर्च ऑन दिस डे और इस दिन लोग चर्च में प्रे करते हैं और और इस दिन लोग अपने क्रिसमस ट्री को लेकर आते हैं और उसको बहुत सुंदर से लाइट से लाइट्स डेकोरेट ईद ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम ईद मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है ईद इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय आफ्टर थर्टी डेज ऑफ फास्टिंग अब इस फेस्टिवल से पहले थर्टी डेज की फास्टिंग रखते हैं और उसके बाद इसको सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम एल्डर्स कॉल्ड और चिल्ड्रेन रिशीव गि बच्चों को अपने बड़ों से एक आशीर्वाद जैसे मिलता है जिसे हम इन्हें लोग ईदी कहते हैं टेस्टी डिशेज लाइक सेवैया दिस डे इस दिन ये लोग क्या बनाते हैं सेवैया पीपल वीयर न्यू क्लोथ एंड प्रे इन द मॉस्क उस दिन लोग क्या पहनते हैं नए कपड़े पहनते हैं और मॉस्क में जाते हैं They each other और एक दूसरे से गले लगकर मुबारक करते हैं। क्या होता है त्योहार जब आप मजे करते हो सेलिब्रेशन करते हो। होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली हमारा रंगों का त्योहार होता है दिवाली हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और वो दिवाली पर हम बहुत सारे लाइट्स लगाते हैं और बहुत ही अच्छा त्योहार होता है हर साल की ट्वेंटी सिक्स जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे हम हर साल की फिफ्टीन ऑगस्ट को सेलिब्रेट करते हैं

टेस्टी डिशेज लाइक सेवैया आर कुक्ड ऑन सेवइया कौन सी फेस्टिवल पे बनती हैं ईद डैश वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को कौन पैदा हुए थे जीजस क्राइस्ट द करेक्ट एंड अक्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट

so you all can go through the chapter once again and we'll do the rest exercises you can do yourself so we'll meet in the next video with the next chapter thank you